नमस्कार, मेरा नाम राहुल। स्वागत है न्यूरेशन क्लासेस 2.0 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के कुछ अभ्यास प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट रहने वाले हैं। इसी सीरीज में हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच। वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में हरियाणा जीके नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री आईपी वशिष्ठ, श्री आनंद स्वरूप, जस्टिस हरिपाल वर्मा या फिर बलदेव राज महाजन? एक बार खुद इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड, श्री आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले महाधिवक्ता थे। अगर मैं बात करता हूँ श्री आईपी वशिष्ठ की, तो ये पहले लोकायुक्त थे। तो ये हरियाणा के पहले लोकायुक्त, ठीक है। और जस्टिस हरिपाल वर्मा ये हैं वर्तमान लोकायुक्त। और अगर मैं बात करता हूं बलदेव राज महाजन की, तो ये हैं वर्तमान महाधिवक्ता हरियाणा के, ठीक है। और अगर हम महाधिवक्ता और लोकायुक्त की बात इनकी बात करें, तो देखिए इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो नियुक्ति करी जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और लोकायुक्त का कार्यालय है चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में, 2005 में, 1999 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 2005 में। हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में। और अगर हम मैं इसकी एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें, तो वो है 31 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और एडिशनल बात करें, तो प्रथम सूचना आयुक्त ये थे श्री जी माधवन, ठीक है। और देखिए 2004 में हुआ था हरियाणा किसान आयोग का गठन, ये ध्यान रखना है, हरियाणा किसान आयोग का गठन, ठीक है। और 1999 में क्या हुआ था? महिला आयोग का गठन, और एग्जैक्ट हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। किसका? महिला आयोग का, ठीक है। और अगर हम बात करें, तो जो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी वो थी सुशीला वर्मा, ये याद रखना है आपने सारा का सारा। तो इसमें हमने कोशिश की है कि एक क्वेश्चन से हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा पुलिस के प्रथम आईजीपी कौन थे? थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। तो पहले तो आईजीपी का मतलब समझिए क्या है। आईजीपी का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और हरियाणा के पहले आईजीपी थे BS रोसा। अगर मैं बात करता हूँ पीके अग्रवाल की, तो ये हैं वर्तमान डीजीपी पुलिस। और श्री MS भटनागर ये हैं हरियाणा के पहले डीजीपी। तो ये याद रखना है डेटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की कितनी बटालियन हैं? 3, 4, 5 या 6? थोड़ा सा सोचिए एक बार इसको। देखिए जब तक आप खुद नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो कोशिश करिए थोड़ा सा खुद आंसर करने की। तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस को इसको हम बोलते हैं हरियाणा आर्म्ड पुलिस, ठीक है। और इसकी हरियाणा में 5 बटालियन हैं। कितनी हैं? 5। इनके सही आंसर है थर्ड। और 5 में देखिए जो 3 बटालियन हैं वो है मधुबन में, एक हिसार में और एक अम्बाला में, एक हिसार और एक अम्बाला, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा का गठन कौन से वित्त आयोग के दौरान हुआ? तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे? तो
इसका आंसर है चौथे, हरियाणा गठन हुआ था चौथे वित्त आयोग में, और ये कब से कब तक था, 1965 से 1970 तक। चौथा जो वित्त आयोग था वो 1965 से 1970 तक का था, ठीक है। और जो चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार, ठीक है। और देखिए हरियाणा का जो गठन वित्त आयोग तो उस समय चौथा था, लेकिन लोकसभा उसमें कौन सी थी, तो लोकसभा उसमें थी तीसरी, तो ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। लोकसभा तीसरी, वित्त आयोग चौथा, और अध्यक्ष कौन थे, पीवी राजमन्नार। और अगर हम थोड़ा सा इसमें एडिशनल बात करें तो जिसमें हरियाणा गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो पीएम थी इंदिरा गांधी। और लोकसभा अध्यक्ष आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस बारे में, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के चेयरमैन कौन थे, हुकुम सिंह, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ। तो ये सारी सारी चीजें आपको याद रहनी ही चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही कथन आपको चुनना है। हरियाणा के गठन का बिल गुलजारीलाल नंदा ने पेश किया, क्या यह सही है, उस समय यह गृह मंत्री के पद पर थे, तो बताइए। तो देखिए ये दोनों दोनों कथन सही हैं। तो हरियाणा का गठन का जो बिल था वो पेश किया था गुलजारीलाल नंदा ने, और उस समय ये थे गृह मंत्री, तो दोनों के दोनों इसमें सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर कहां पर विकसित किया जा रहा है, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम या फिर नूह, तो इसका सही आंसर है सोनीपत। तो उत्तर भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर स्थापित किया गया है सोनीपत में। अगर सोनीपत के बारे में थोड़ी सी और हम बात करें तो यहीं पर उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो यहीं पर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, और ये किया गया था 2006 में, कहां पर, खानपुर कलां में। और देखिए सोनीपत खुम्बे उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, देश में पहले स्थान पर, तो ये देश में प्रथम है, ये याद रखना भाई, गर्व की बात है हरियाणा के लिए। और देखिए यहीं पर सोनीपत में ही देश की पहली अति आधुनिक आंगनवाड़ी थी, और ये हुई थी हसनपुर गांव में, तो कहां पर, हसनपुर गांव में, ये गर्व करने वाली बात है सारी सारी। पानीपत पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र यहीं लगा था, कृत्रिम रबड़ संयंत्र कौन सा देश का पहला, ये याद रखना है, ये सारे के सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए गुरुग्राम, देखिए राहगिरी दिवस मनाने वाला देश का पहला शहर है, हर रविवार को गुरुग्राम में राहगिरी दिवस मनाया जाता है, तो यह देश का पहला शहर है। और देखिए यहीं पर गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, कहां पर, बिनोला गांव में, तो ये डेटा याद रखना है। और यहीं पर मानेसर में स्थापित किया गया है भारत का पहला कंट्री क्लब, ठीक है। नूह की अगर हम थोड़ी सी और इसमें बात करें, पेन फिर से बदल लेते हैं थोड़ा सा। नूह में देखिए पहला मोबाइल कोर्ट यहीं पर स्थापित किया गया था, तो पहला मोबाइल कोर्ट यहाँ पर स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये सारा सारा डेटा याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए राष्ट्रीय पटल पर हरियाणा का पहला स्थान, तो ये वो सारी सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं जहाँ पर हरियाणा पहला स्थान रखता है, कहाँ कहाँ, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने में,
तो ये हरियाणा का इसमें पहला स्थान है। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल में हरियाणा पहले स्थान पर है। ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। वैट लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। आधार सक्षम के जन्म पंजीकरण को लागू करने में हरियाणा पहला राज्य बना है। आयुष्मान योजना लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की है। वर्ष 2011 में हरियाणा में कौन सी जनगणना हुई, तो बताइए तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो ये हुई है पांचवी। कौन सी? पांचवी। रंग बदलते हैं भाई थोड़ा सा। तो ये है पांचवी, और पहली हुई थी 1971 में, ठीक है। और देखिए, तो ये जो 2011 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से हरियाणा की जो जनसंख्या है वो है 2,53,53,081, ठीक है, जो कि जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका है 2.09%, ठीक है। देखिए ये तो है जो डेटा है, और HSC ने सही किसको माना है, ये डेटा है 2,53,51,000। यहाँ पर 53,000 है, यहाँ पर 51,000 है, 462। तो ये HSSC ने इसको सही माना है, ठीक है। पहली हुई थी 1971 में और 2011 में हुई है पांचवें। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सोचिए थोड़ा सा, विचारिए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर या फिर पंचकुला। तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि सबसे तेजी से अगर किसी में जिले में जनसंख्या बढ़ रही है तो वो है गुरुग्राम। यहाँ पर वृद्धि दर है 73.90%। अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और कितनी है? 17,98,951, ठीक है। और झज्जर में देखिए, गुरुग्राम में है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, झज्जर में है सबसे कम, यानी कि न्यूनतम वृद्धि दर, और है कितनी? ये है 8.70%। ये थोड़ा सा डेटा याद रखने का है। पंचकुला सबसे कम जनसंख्या है, कितनी है? 5,58,000, लगभग 800 कुछ है, 890 शायद, ठीक है। तो इतना ही इसकी जनसंख्या है। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है, झज्जर की सबसे कम है, फरीदाबाद की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पंचकुला की सबसे कम है, ठीक है। और फरीदाबाद का ही जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, और वो कितना है? 2,298 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और देखिए, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो है सिरसा का, ठीक है। और कितना है? ये है केवल 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को अगर अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम उसका क्या होगा? घटते क्रम में लिखना, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर कम और फिर कम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की है, तो सारों में दे रखा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हिसार की, ठीक है, फरीदाबाद और हिसार, उसके बाद फिर भिवानी और गुरुग्राम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 4, यानी कि ये 4 जो नाम है ये याद रखने हैं, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। तो इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों को अगर बढ़ते क्रम में, ये गलत लिखा, घोषित किया जाए, ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा? यानी कि अगर हम इनको बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं तो इसका सही क्रम क्या होगा? पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। पंचकुला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद। तो सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है 1, पंचकुला की सबसे कम है। किसमें लिखना है? बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे कम। तो सबसे कम तो पता है किसकी है? पंचकुला की है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल करने थे।
तो पंचकुला, फिर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद, ये बॉटम से चार हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही कथन आपको चुनना है। पानीपत जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसार दूसरे स्थान पर है। सिरसा का क्षेत्रफल सबसे अधिक तथा जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो देखिए, इसमें पहला कथन बिल्कुल सही है, पानीपत जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है, ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, और हिसार के देखिए स्पेशल बात इसमें यह है कि ये एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पर है। किस पर? सेकंड पोजीशन पर, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, तो ये भी ठीक है। सिरसा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, बिल्कुल ठीक है, और जनसंख्या घनत्व इसका न्यूनतम है। कितना है न्यूनतम? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो क्या दशक 2001 2011 में जनसंख्या घनत्व में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है? तो ये गलत है, यानी कि इसको छोड़कर बाकी सारे सारे क्या हैं, ठीक हैं। तो 100 के नहीं, वृद्धि तो हुई है, लेकिन वृद्धि हुई है 95 की। ठीक है, 95 का इंक्रीज इसमें हुआ है। 2001 में था ये 478 और 2011 में कितना है? 573। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 95 का है। ठीक है, तो इसका सही कथन में ये तीन के तीन हमारे ठीक रहेंगे, चारों को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनसंख्या घनत्व घटते क्रम में, देखिए सबसे ज्यादा है फरीदाबाद का, ये मतलब इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो फरीदाबाद सबसे ज्यादा है, पानीपत से उससे कम, फिर गुरुग्राम है, फिर पलवल है, और जो ये जो चार हैं वो सबसे अधिक, यानी कि टॉप फोर कहिए इनको, ये टॉप फोर के हैं। ठीक है, और ये हैं बॉटम फोर। ठीक है, किसमें है? ये है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद का है, फिर पानीपत का है, फिर गुरुग्राम का है, फिर पलवल का है, और लास्ट में बहुत सारे आएंगे अपने जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, और लास्ट के चार हैं हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा। इसको आपने एक प्रकार से दिमाग में रखना है, बार बार इसको देखना है, बार बार इसको पढ़ना है, ताकि इसकी फोटो आपके दिमाग में रहे। हरियाणा में ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से बराबर है, कम है, या डेटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर से कम, ठीक है, से अधिक यहाँ पर आएगा। ठीक है, से अधिक। तो देखिए, सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में, क्या जो ग्रामीण लिंग अनुपात है शहरी लिंग अनुपात से वो कम है, ज़्यादा है, या इसके बराबर है? तो इसका सही आंसर है 3। तो जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो ज़्यादा है शहरों से। कितना कितना है? ग्रामीण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण लिंग अनुपात है 880:1000, यानी कि 1000 लड़के, 880 लड़कियां। और शहरी की अगर हम बात करें तो वो है 871:1000 पर। ठीक, तो यहां से आप देख पा रहे हैं ग्रामीण का ज्यादा है। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको हम याद कर सकते हैं, जो बहुत आसान है। जैसे मैं अगर इसको लिखता हूँ एफ पी जी पी, और इसको लिखते हैं एच एफ बी एस। देखिए ट्रिक क्या है, मैं पहले इसको ट्रिक लिख देता हूं, तो ये है हमारी क्यूट सी ट्रिक। देखिए वैसे कोई इस ट्रिक का मतलब इसका कुछ बनता नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। ठीक है, फॉरेस्ट पुलिस गंदी पुलिस है, फॉरेस्ट पुलिस गंदी पुलिस है, फिर भी सब उसको ज्वाइन करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, फॉरेस्ट पुलिस गंदी पुलिस है, फिर भी सब उसको ज्वाइन करते हैं। फॉरेस्ट यानी कि एफ से फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा। तो इस ऑर्डर में आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हम थे यहां पर। सही कथन चुनना है। कथन पहला है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत से ज्यादा है। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि दर से अधिक है। तो थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए, नगरीय जनसंख्या का अगर मैं प्रतिशत बात करूं तो वो है कुल जनसंख्या का 35.47%। ठीक है,
और जो ग्रामीण है वो है 65.21%। तो अब देखिए कम कौन सा है, ज़्यादा कौन सा है। तो जो नगरीय है वो तो कम है, ग्रामीण ज़्यादा है। लिख क्या रखा है उल्टा, यानी कि ये कथन हमारा क्या है, गलत है। दूसरा कथन सही है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पर आएगा कम, यानी कि केवल दो कथन इसमें सही है। ठीक है, किसने ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर मिनिएचर ओशियन कहा है? तो किसने कहा है, कनिंघम, अलबरूनी, अबुल फजल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने कहा है ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर। अलबरूनी की एक किताब है, देखिए किताब उल हिंद, जिसमें ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। क्या है उसमें, ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 सही है। और देखिए ब्रह्म सरोवर, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये बहुत प्यारी जगह है। आप गीता महोत्सव पर गए होंगे, तो गीता महोत्सव पर तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। आप कभी अकेले में जाना, जहां उस समय जाना जहां पर जिस टाइम पर भीड़ बहुत कम हो, तो किसी किनारे पर बैठकर थोड़ा सा टाइम वहां पर स्पेंड करना, आप बहुत रिफ्रेश्ड फील करोगे, बहुत अच्छे स्तर का आपको वहां पर अनुभव मिलेगा। तो कोशिश करना, कोई भी वाटर बॉडी हो, साफ सुथरी हो, उसके किनारे कभी बैठ कर देखना, बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो ये हमारा, ये एक प्रकार से हरियाणा की धरोहर है ये सरोवर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मान्यताओं के अनुसार जिस स्थान पर ब्राह्मण, ये ब्रह्मा है यहाँ पर, ठीक है, ब्रह्मा ने तपस्या की, उसे क्या कहा जाता है? नाभि कमल तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, या ब्रह्मा वैवर्थ? तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसका सही उत्तर है सेकंड, कमलनाथ तीर्थ। और ये कहाँ पर है, यह है कुरुक्षेत्र में, पावनधरा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और नाभि कमल तीर्थ ये भी वहीं है थानेसर में, और थानेसर पता है वही है कुरुक्षेत्र में। ठीक, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यह कौन से मंडल में है? देखिए ऋग्वेद में जो भी वेद हैं उनमें होते हैं मंडल, सूक्त, श्लोक। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन से मंडल में है, छठे, सातवें, आठवें, या नौवें? तो इसका सही आंसर है आठवें। तो आठवें मंडल में है। इसको देखिए थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए 8, 25 और 22। ठीक है, इसके नीचे आप लिखिए MSS। एम से है मंडल, ठीक है, रानो मंडल। एस से है सुक्त, ठीक है, और इस एस से है श्लोक। यानी कि देखिए आठवां मंडल, 25वां सुक्त और 22वां श्लोक, ये एग्जैक्ट फिगर है इसका। ठीक है, और श्लोक को हम ऋचा भी बोलते हैं, इसको कई बार श्लोक की जगह ऋचा पूछ सकता है। ठीक, तो आठवां मंडल है, 25वां सुक्त है, 22वां श्लोक है। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है श्री हरियाणा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में वैश्वत मनु को कहाँ का निवासी माना गया है? कुरुक्षेत्र, स्थानेश्वर, पिहोवा, कपिस्थल? तो इसका सही आंसर है स्थानेश्वर। पिहेवा को देखिए, पिहेवा, पिहोवा यहां पर हुई थी, ऐसा माना जाता है कि यहां पर मनुस्मृति की रचना यहां पर हुई थी, पिहोवा में मनुस्मृति की रचना। ठीक है, और स्थानेश्वर को अब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थानेसर यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्राचीन काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक, ब्रह्मावर्त, हरियाला, या फिर सभी? तो आंसर आपको ऑलरेडी पता है, सभी। बहुधान्यक कहा गया है महाभारत में, ब्रह्मावर्त कहा गया है मनुस्मृति में, और हरियाला कहाँ गए, कहाँ पर,
कहा गया है? हरियाला स्कंद पुराण में, भाई स्कंद पुराण में हरियाणा को कहा गया है हरियाला, ठीक है? तो ये याद रखना है। बहुधान्यक महाभारत में, ब्रह्मावर्त मनुस्मृति, हरियाला स्कंद पुराण में, ठीक है? किस समय से हरियाणा क्षेत्र श्रीकंठ जनपद कहलाने लगा? तो टाइम बताना है, छवीं छठी से सातवीं शताब्दी, आठवीं से नौवीं शताब्दी और दसवीं शताब्दी, नौवीं शताब्दी, तो किस समय पर? तो इसका सही आंसर है एक, यानी छठी सातवीं शताब्दी में हरियाणा को कहा जाने लगा श्रीकंठ जनपद, ठीक है? तो इसका सही आंसर तो है एक। और देखिए, दसवीं शताब्दी में कहा जाता था इसको हरियाणा, ठीक है? और नौवीं शताब्दी, ये तो स्कंद पुराण का टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर स्कंद पुराण और क्या कहा गया था, हरियाला। लास्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है? हरी आला स्कंद पुराण में और नौवीं शताब्दी की ये बात है। जैन कवि श्रीधर ने अपना ग्रंथ पाषाणचर्यु में हरियाणा को क्या कहा है? तो ये पाषाणचर्यु में हरियाणा को क्या कहा है? हरियाणाए, हरितानक, हरिबानक या हरिमंका? तो इसका सही आंसर है हरियाणाए। श्रीधर ने कहा है अपने इस ग्रंथ में, कहा है और क्या कहा है? हरियाणा, ठीक है? और हरितानक, देखिए हरितानक कहाँ पर कहा गया है? बिजोलिया, ये राजस्थान में है। तो यहां पर एक शिलालेख मिला, उस शिलालेख में हरियाणा का जिक्र है हरितानक नाम से। तो बिजोलिया राजस्थान में एक जगह है, वहां पर एक शिलालेख मिला, उसमें हरियाणा को हरितानक कहा गया। हरिबाणक और हरिबंका ये एक ही वर्ड है, ठीक है? तो दोनों के सेम ही हैं। और देखिए, हरिबाणक या हरिबंका कहें, ये कहा गया था धरणीधर नाम के व्यक्ति हैं, उनकी पुस्तक अखंड प्रकाश में, उनकी पुस्तक है एक अखंड प्रकाश, इस पुस्तक में हरियाणा को कहा गया था हरिबंका या हरि बाणक। और इसी पुस्तक में, अखंड प्रकाश में, जो विस्तार है हरियाणा का वो बताया था पल्लम, दिल्ली से पटियाला तक, ठीक है? ये भी थोड़ा सा इसका याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वीं सदी में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नानक चंद शर्मा ने, पंडित विबुध श्रीधर, डॉक्टर जदुनाथ सरकार, डॉक्टर बुध प्रकाश? तो इसका सही आंसर है सेकंड, पंडित विबुध श्रीधर ने, ठीक है? और देखिए, नानक चंद शर्मा ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मानी है आयनिक शब्द से, तो इन्होंने हरियाणा की उत्पत्ति मानी है आयनिक से, किसने? नानक चंद शर्मा ने। ठीक है, और अगर हम डॉक्टर जदुनाथ सरकार की बात करें तो हरियाली इन्होंने हरियाणा को कहा है, बुध प्रकाश ने अभी राणा कहा है, तो अभी राणा, ठीक है, डॉक्टर बुध प्रकाश ने। हरियाणा को हरिधान्य क्या किसने कहा है? डॉक्टर एच आर गुप्ता, ऋग्वेद महाराज कृष्ण, राहुल सांकृत्यायन ने? तो इसका सही उत्तर तो है राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा है आर्याना, किसको? हरियाणा को। और ऋग्वेद में कहा गया है हरियाणा को रजत हरियाणे, और महाराज कृष्ण ने कहा है हवम, ठीक है? तो ये याद रखना है। और राहुल सांकृत्यायन ने हरिधान्य का कहा है। किस साहित्यिक स्रोत से प्राचीन कालीन हरियाणा के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है? तो ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद या महापुराण? तो ये जमुनिया नहीं है, ये यहाँ पर है जैमिनी है, ठीक है, जैमिनी है। जैमिनी है ब्राह्मण। तो किसमें, किस स्रोत से हरियाणा के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है थ्री, छांदोग्य उपनिषद से हरियाणा के सामाजिक
और वह आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, इस ब्राह्मण में मिलता है कुरुओं का उल्लेख। ठीक है, और जो जैमिनी ब्राह्मण है इसमें हरियाणा के जो सामान्य जनजीवन है प्राचीन काल में उसकी जानकारी मिलती है, सामान्य जनजीवन की। तो ये याद रखना है, सामान्य जनजीवन की जैमिनी। ठीक है, जनजीवन जैसे, ये भी जैसे, ये भी जैसे, तो ये भी जैसे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा याद रहेगा। शतपथ ब्राह्मण इसमें कुरुओं का उल्लेख मिला है, छांदों के उपनिषद में सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिली है, और महापुराण इसकी हम बात करें तो ये रचित हैं पुष्पदंत द्वारा, पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, और इसी महापुराण में हरियाणा को इस प्रकार से, हरियाणा का उल्लेख इस नाम से मिलता है, हरियाणा को ये पुकारा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। पंपत सूदनी मध्यम निकाय, देखिए पंपत सूदनी से पता चलता है महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, और उनके बारे में क्या, उनके बारे में ये पता चलता है कि वो हरियाणा में कई स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया था। तो महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, और वो भी जानकारी कैसी, भ्रमण की जानकारी कि हरियाणा में कुछ क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया था। यहाँ पर ये जो मध्यम निकाय है वो बहुत जरूरी है। इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है हरियाणा के राजनीतिक जीवन की। तो हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मध्यम निकाय से मिलती है, ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य या शिष्याएं कौन थी, मिताकली, नंदूतारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सी, मिताकली और नंदूतारा, ये दोनों के दोनों गौतम बुद्ध की शिष्याएं थी। ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड। चीनी यात्री फाहियान कब से कब तक भारत में रहा, 629 से 643 ईस्वी, 643 ईस्वी केवल, 675 से 695 ईस्वी, 399 से 414 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, 399 से 414 ईस्वी तक कौन चीनी यात्री फाहियान भारत में रहा। 629, ये भी सारे सारे ये सुने सुनाए लगते हैं थोड़े से, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 629 से 643 तक ये हवेन सांग भारत में रहा था। ठीक है, उसका ये टाइम पीरियड है। और 643 ईस्वी में ये है वान हुवेन सी, उन्होंने यात्रा करी, वान हुवेन सी। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में इत्सिंग, इस यात्री ने यात्रा करी थी। ठीक है, बाकी फाहियान रहा है इस समय से, इस समय तक 399 से 414 ईस्वी तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वामन पुराण में हरियाणा में कितने प्रमुख वनों की बात कही गई है, 6, 7, 8 या 9? तो ये बहुत आसान है, इसका सही आंसर है 7। तो 7 वन है, और नदियों की अगर बात करें तो नदियां हैं 9, 9 नदियां, नए से 9, नए से नदियां। ठीक है, तो 9 नदी, 7 वन, इसमें वामन पुराण में। किताब उल हिंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तारीख ए फिरोजशाही, तहकीकात ए हिंद, ताज उल मासिर, तबकात ए नासिरी? तो इसका सही आंसर है तहकीकात ए हिंद। किताब उल हिंद को तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है, और ये देखिए ये रचना थी अलबरूनी की। ठीक है, और अरबी भाषा में है, और अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ ये आया था। ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही ये पुस्तक है जियाउद्दीन बरने की। ठीक है, अब देखिए तारीख ए फिरोजशाही ये दो पुस्तकें हैं, तो इनके अलग अलग लेखक, इनके अलग अलग हैं। एक है जियाउद्दीन बरने, आगे हम एक और पढ़ेंगे इसके बारे में। ताज उल मासिर की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सदुद्दीन हसन निजामी, सदुद्दीन हसन निजामी। ठीक है,
तबकात ए नासिरी, इसके लेखक हैं मिनहाज सिराज। ठीक है, तो ये याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रहेला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो रहेला के बारे में बताना है आपने। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसकी रचना इब्न बतूता द्वारा की गई। इसमें मलिक होसंग नाम के शासक का उल्लेख है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान हांसी व हिसार की यात्रा की, तो कथन सही कौन सा नहीं है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, याद रखना है। रचना इसकी इब्न बतूता ने करी है, बिल्कुल सही है। और इसी रहेला वृत्तांत में होसंग नाम के शासक का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें गलत है केवल चार, और चार में गलती कहाँ है कि जो इसकी यात्रा थी वह हांसी व हिसार की नहीं, हांसी व सिरसा की थी। ठीक है, तो हांसी व सिरसा की यात्रा इसने करी थी। इब्न बतूता देखिए, ये मोरक्को का यात्री था, ये था मोरक्को का यात्री। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय आया था, और उसी समय इसको मिला था काजी का पद, और ये 8 वर्ष तक काजी के पद पर विराजमान रहा। ठीक है, ये याद रखना है, काजी के पद पर ये नियुक्त हुआ था। मोरक्को का यात्री था, हांसी और सिस्सा की यात्रा करी थी। हुसैन नाम के शासक का उल्लेख इस रहेला यात्रा वृत्तांत में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में जानकारी देने वाला सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तारीख ए फिरोजशाही, ताज उल मासीर, तारीख ए यामिनी, मल फुजल ए तैमूरी। तो देखिए, इसका सही आंसर है 2, ताज उल मासीर। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण का ये इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण की जानकारी इसमें मिलती है ताज उल मासीर में। अब देखिए, जैसे मैंने बात करी थी कि जो तारीख ए फिरोजशाही है वो 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, शम्स ए निराज, शम्स ए निराज आफीफ। तो ये याद रखना है, ये इसके ऑथर हैं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी बुक में जो फिरोज शाह तुगलक है उसके द्वारा बसाए गए नगर, आपको पता है हिसार, फतेहाबाद, हरनीखेड़ा, जिसको फिरोजाबाद भी कहा जाता था, तो उनकी जानकारी से मिलती है। तो हिसार, हिसार को कहा जाता था फिरोजा। ठीक है, फतेहाबाद और फिरोजाबाद, तो इन सभी की जानकारी इस बुक में मिलती है। फिरोजाबाद का अभी जो नाम है इसका वो है हरनीखेड़ा। ठीक है, और देखिए तारीख ए यामिनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो लेखक हैं वो हैं उतबी, और इसमें क्या है, जो हांसी और थानेसर पर गजनवी का जो आक्रमण है उसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें हांसी व थानेसर पर जो गजनवी का जो आक्रमण हुआ उसकी जानकारी इसे मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तारीख ए यामिनी का एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है किताब उल यामिनी। ये याद रखने लायक चीजें हैं सारी सारी, और इसको हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, तारिक ए यामिनी को और उतुबी को, और ये याद रखना जरूरी भी है। याद रखने के लिए हम इस ट्रिक इसकी हम एक यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि उतुबी बड़ा ऊँट था, वो यामिनी के साथ डेट पर गया। डेट यानी कि तारीख। उतुबी बड़ा ऊँट था, वो यामिनी के साथ डेट पर गया। तो इससे हम इसको याद रखते हैं, उतुबी तारिक ए यामिनी। अन्य नाम इसका क्या है, किताब उल यामिनी। और जो मल फजुल ए तैमूरी है, रंग बदलते हैं थोड़ा सा, ये तैमूर की आत्मकथा है, ये है तैमूर की आत्मकथा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो 1398 में तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसकी जानकारी से मिलती है। ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें हैं, ये सारे सारे
जो ऑप्शन है वो याद रखने हैं, आंसर तो आपको याद रखना है ही। 1398 में तैमूर के आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? अभी पढ़ के आया है तो ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? एक मल फुजल ए तैमूरी। अभी लास्ट में यही तो था, मल फुजल ए तैमूरी, इस आक्रमण की जानकारी मिलती है, यही प्रश्न है बिल्कुल सेम ठीक है। और तारीख है या मैंने इसकी है उत्तबी की है, अभी पढ़ के आए हैं बिल्कुल। तुजुक ए बाबरी, ये थोड़ा नया है, और ये है बाबर की आत्मकथा। ठीक है, इसको बाबर नामा भी कहते हैं, बाबर नामा भी इसी का नाम है ठीक है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा ठीक है। और इसकी जो भाषा थी वो थी फारसी, तो ये याद रखना है, फारसी भाषा में थी, गुलबदन बेगम की रचना है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किसकी रचना है? तो ये बहुत आसान है, अकबरनामा रचना है अबुल फजल भी ठीक है। ये इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ है किसे माना गया है? राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, चतुर्वाणी या फिर रतन परीक्षा। तो थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, विचार कीजिए और खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। तो ये पहला ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य का क्या है, प्रमाण है ठीक है। और इसकी रचना किसने करी थी? चंद्र बरदाई। ये तो जो हरियाणा जी के पढ़ते हैं सबको रटा पड़ा है बिल्कुल। और चंद्र बरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि। ठीक है, इसमें और कुछ एडिशनल है नहीं। पानीपत के युद्ध का वर्णन 1761, ये पुस्तक का नाम है ठीक है, पूरा पूरा पुस्तक का नाम है। पुस्तक के लेखक कौन है? ठाकुर पेरू, जिन वल्लभ सूरी, काशीराज, मीर जफर जट्टल। तो इसके लेखक हैं काशीराज, ये याद रखना है। और ठाकुर पेरू की अगर हम बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था ये। ठीक है, जीन बल्लभ सूरी। और देखिए अगर हम बात करते हैं मीर जफर जट्टल की, तो इनको हरियाणा का प्रथम हास्य कवि कहा जाता है। ठीक है, और क्या है, और इनके देखिए मीर जफर जट्टल की कई रचनाएं हैं वो याद रखनी जरूरी हैं, जैसे ट्रिक है उसी के माध्यम से उसको याद करते हैं। जो मीर जफर जट्टल हैं वो मशहूर हैं ठीक है, तो ये मशहूर हैं अपने दर्द भरे ख्वाबों को लेकर। तो ये ट्रिक है, यही ट्रिक है, मीर जफर जट्टल ये मशहूर हैं अपने दर्द भरे ख्वाबों को लेकर। तो ये हैं मशहूर दर्द भरे ख्वाबों को लेकर। ठीक है, मशहूर से नाम है इनकी रचना का मसहरनामा। ठीक है, दर्द से है दर्दनामा, ये दर्द मामा नहीं भाई, ये दर्द नामा है ठीक है। और ख्वाबों से है, ख्वाब से है ख्वाबनामा। ख्वाबनामा, तो ये इनकी रचनाएं हैं, ये याद रखनी है। तो मीर जफर जट्टल मशहूर हैं अपने दर्द भरे ख्वाबों से, मशहूर नामा, मसहर नामा सॉरी, दर्द नामा और ख्वाब नामा, ख्वाब नामा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में यहाँ के बाजारों का जिक्र किस नाम से किया है? तो यानी कि हरियाणा के बाजारों की बात यहाँ पर चल रही है, तो बाजारों को क्या उन्होंने कहा है? फेरू, मांडा, गुदड़ी, थूणा। तो इसका सही आंसर है गुदड़ी। तो बाजारों को कहा है गुदड़ी। और थूणा देखिए ये बौद्ध साहित्य में थानेसर का नाम है, तो जो बौद्ध साहित्य है उनमें थानेसर का या स्थानेश्वर का नाम है थूणा, तो
तो ये क्या है, थानेसर का नाम, ठीक है, और कहां पर, बौद्ध साहित्य में। हरियाणा क्षेत्र का अन्वेषण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई, सोचो बताओ। एच एल श्रीवास्तव, रोजर्स कनिंघम, प्रोफेसर बी बी लाल। तो किसने सबसे पहले हरियाणा का अन्वेषण किया, तो इसका सही आंसर है 3, कनिंघम ने। तो कनिंघम ने हरियाणा का पहली बार अन्वेषण किया। एच एल श्रीवास्तव के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, सरस्वती नदी आपने सुना होगा, तो उसके जो किनारे हैं उसके आसपास की जगह है, एक जगह है थे पोलर, तो वहां की खुदाई इन्होंने करी थी, एच एल श्रीवास्तव ने, और ये करी थी 1933-34 में, सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक। रोजर्स, रोजर्स देखिए कनिंघम के काम को इन्होंने आगे बढ़ाया, इनका बस मतलब मेन रोल यही है कि जो काम कनिंघम कर रहे थे, जहाँ की खुदाई चल रही थी, जो भी डेटा था, तो उसके उसको आगे बढ़ाया था रोजर्स ने। प्रोफेसर बी बी लाल, इन्होंने देखिए कुरुक्षेत्र के आसपास की खुदाई करी थी, वहां से इन्होंने बहुत सारी पुरानी चीजें इकट्ठा करी थी, ठीक है। तो ये इसलिए कहां पर, कुरुक्षेत्र के आसपास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस अभिलेख से पुष्ट होता है, यानी कि कहां से पता चलता है कि अशोक के शासन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। टोपरा अभिलेख, शुद्ध अभिलेख, तोसाम अभिलेख, या हिसार स्तंभ अभिलेख। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, नहीं तो आंसर तो फिर करते हैं डिस्कस। तो इसका सही आंसर है टोपरा अभिलेख। तो यहाँ इस अभिलेख में अशोक के प्रशासन का जिक्र है और उसमें भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का। अगर हम टोपरा अभिलेख के बारे में बात करें तो ये है यमुनानगर में, कहाँ पर है, यमुनानगर में, पहली बात। दूसरी, इस अभिलेख की भाषा है प्राकृत भाषा, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। तीसरा, लिपि कौन सी है, लिपि है ब्राह्मी, याद रखना है सारा सारा, तो ब्राह्मी इसकी लिपि है। और टोपरा अभिलेख में 7 अभिलेख हैं, यहाँ पर कितने मिले हैं, 7 अभिलेख। अगर हम बात करते हैं शुद्ध अभिलेख की, तो ये भी यमुनानगर में है, ये भी कहाँ है, यमुनानगर में है। और शुद्ध अभिलेख दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। और शुद्ध अभिलेख में और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर 12 खड़ी, 12 खड़ी मिली है, ठीक है, इस पर थी, ठीक है, जो अभिलेख है शुद्ध अभिलेख है, इस पर 12 खड़ी लिखी मिली थी, इस पर थी। तो साम अभिलेख की अगर हम बात करें तो साम है भिवानी में, ये है भिवानी में, और क्या है इसके बारे में, ये मिला है तीसरी चौथी शताब्दी का है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिसार स्तंभ लेख की, ये मिला है गुजरी महल से, कहाँ से, हिसार में है गुजरी महल, तो वहां से यह अभिलेख मिला है, और इस पर 8 अभिलेख हैं। तो हिसार स्तंभ लेख है, इस पर 8 अभिलेख लिखे हैं, टोपरा पर 7 हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की है। टोपरा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, ब्राह्मी लिपि इसकी है, शुद्ध अभिलेख दूसरा सबसे प्राचीन है, और 12 खड़े इस पर लिखे मिले हैं, तो साम भिवानी में है, तीसरी चौथी शताब्दी का है। हिसार स्तंभ लेख की अगर हम बात करते हैं तो गुजरी महल, और 8 अभिलेख यहाँ पर मिले हैं। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्थान पर हैं, होयसल स्तंभ, टोपरा स्तंभ, पल्लव स्तंभ, या पल्लव स्तंभ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ 3 शिलालेख हैं इसके, और वो कहाँ पर हैं, तो ये हैं टोपरा स्तंभ पर, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी है टोपरा अभिलेख के बारे में, उसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख भी यहाँ पर मौजूद हैं टोपरा स्तंभ पर। हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये टोटल पूछा है कितने अभिलेख यहाँ से मिले हैं, तो ये फैक्चुअली है सीधा, तो इसका आंसर 37। तो 37 अभिलेख हरियाणा से मिले हैं, याद रखना है। किस
किस अभिलेख में पिंजौर को पंचमपुर कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए। अग्रोहा अभिलेख, पिंजौर अभिलेख, करनाल अभिलेख या फिर कपालमोचन अभिलेख, तो किस अभिलेख में पिंजौर को कहा गया है पंचमपुर? तो इसका आंसर है, मतलब अगर हम तुक्का भी इसमें लगाएंगे तो हम यही लगाएंगे क्योंकि तो नाम मिल रहा है इसमें, ठीक। तो पिंजौर अभिलेख इसका सही आंसर है। अग्रोहा अभिलेख, यहाँ पर देखिए एक ईंट मिली है, क्या मिली है, एक ईंट मिली है जिस पर सात स्वर अंकित थे, यानी कि जो सात सुर हैं वो अंकित थे इस पर, ठीक है। और इसकी खोज करी थी एच एल श्रीवास्तव ने, ये ईंट किसको मिली थी, एच एल श्रीवास्तव को, श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखना है, एच एल श्रीवास्तव, सात सुर अग्रोहा में ईंट मिली थी, ठीक है। और देखिए करनाल अभिलेख, इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अकेला ऐसा अभिलेख है जो क्रोष्ठी लिपि में है, किस में है, क्रोष्ठी लिपि में। ये जो इसकी थोड़ी सी अलग चीज़ है इसको इंपॉर्टेंट भी बना रही है। कपालमोचन अभिलेख, यहाँ से देखिए दो अभिलेख मिले हैं, दो अभिलेख यहाँ से मिले हैं, और खास बात क्या है कि दोनों के दोनों अधूरे हैं, क्या हैं, अधूरे, ये थोड़ी सी इनकी स्पेशल है। करनाल की स्पेशल बात क्या है, क्रोष्ठी लिपि में है, कपालमोचन में दो अधूरे अभिलेख यहाँ से हमें मिले हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, बिजोलिया अभिलेख, लाडनू अभिलेख, मोहनबाड़ी अभिलेख, नचारखेड़ा अभिलेख। सोचिए विचारिए और खुद ही इसका आंसर करने की कोशिश एक बार कीजिए, नहीं तो फिर हमारा तो काम ही यही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जिस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को दर्शाया गया है वो है लाडनू अभिलेख। अब ये क्या है, ये देखिए राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, कहाँ पर है ये अभिलेख, स्थित तो है जोधपुर में, हरियाणा में नहीं है, ये है राजस्थान के जोधपुर में, लेकिन इसमें हरियाणा से संबंधित बहुत सारी जानकारी भी हमें मिलती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बिचौलिया अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो ये है राजस्थान के उदयपुर में, कहाँ पर, एक जोधपुर में है और एक है उदयपुर में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर, इस अभिलेख पर हमें मिलती है चौहान वंश की वंशावली, चौहान वंश की वंशावली किस पर, बिजोलिया पर, और यही चीज बना रही है इसको इंपॉर्टेंट, वंशावली, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा अभिलेख है जहां पर चौहान वंश की वंशावली को दर्शाया गया है, तो आंसर क्या होगा उसका, बिजोलिया अभिलेख फिर आंसर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोहनबाड़ी अभिलेख ये है रोहतक में, ये स्थित है अपना रोहतक में, और नचारखेड़ा ये जींद में है। और इस अभिलेख में स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर रामायण से संबंधित कुछ बातें हैं, तो रामायण से संबंधित है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे सारे याद रखने की चीज़ें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख में हरियाणा को स्वर्ग कहा गया है? पालम बावली अभिलेख, हांसी अभिलेख, बोहरा अभिलेख या मोहम्मद बिन तुगलक का अभिलेख? तो इसका आंसर सोचिए, नहीं तो फिर आंसर है इसका चार। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो अभिलेख है वहाँ पर हरियाणा को कहा गया है स्वर्ग। और देखिए पालम बावली की अगर हम बात करें तो ये खोजा गया था 1227 में और ये है दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली के आसपास का इलाका है पालम बावली, ठीक है। और हांसी अभिलेख, हांसी अभिलेख का संबंध है पृथ्वीराज द्वितीय से, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय से इसका संबंध है इस अभिलेख का। बोहरा ये रोहतक में है, और क्या है, जो बोहरा अभिलेख है इसमें हरियाणा का नाम हरियाणक बताया गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हरियाणा को यहां बताया गया है हरियाणक, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसको बना देती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस पे कि हरियाणा को हरियाणक किस अभिलेख में कहा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा फिर, बोहरा अभिलेख, ठीक है। और देखिए ये जो अभिलेख है मोहम्मद बिन तुगलक का अभिलेख, ये 1327 में मिला था, ठीक है।
और इसको सारवान अभिलेख भी कहते हैं, सारवान अभिलेख। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख पर मौर्य ने लिपि देवनागरी, ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मौर्य ने नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मौर्यन, तो यहाँ पर लिखते हैं मौर्यन, तो मौर्यन लिपि, देवनागरी लिपि तथा मूलिय लिपि के शब्द मिले हैं, यानी कि तीन लिपियां हैं, इन तीनों के शब्द कौन से अभिलेख से मिले हैं? चाहमान अभिलेख, अर्णोराज अभिलेख, प्राचीन शिव मंदिर अभिलेख या फिर बोहरा अभिलेख? तो इसका सही आंसर है तीन, प्राचीन शिव मंदिर अभिलेख से, यहाँ से जो मिला है वहाँ पर तीन लिपियों के शब्द मिले हैं। और देखिए, जो चाहमण और अर्णोराज अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में हरियाणा को कहा गया है हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, ये याद रखना है। बोहरा कहाँ पर है? रोहतक में, ये पढ़ के आए हैं अभी। प्रतिहार राजा भोज के काल का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये काल के नहीं, प्रतिहार राजा भोज के काल के आएगा, ठीक है, उसके काल के, ये अलग अलग थोड़ा सा अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से मिले हैं? पिहोवा, सिरसा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? थोड़ा सा सोचिए एक बार इसको, पिहोवा से, सिरसा से या दोनों से? तो इसका आंसर है दोनों से, पिहोवा से भी और सिरसा से भी, किसके? प्रतिहार राजा भोज के अभिलेख यहाँ से मिले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संख्या दी गई है? तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। सिरसा अभिलेख, लोस अभिलेख, सोनीपत का ताम्रपत्र या तोसाम अभिलेख? तो कौन से अभिलेख में कुरुक्षेत्र को कहा गया है महातीर्थ? सोचिए, नहीं तो इसका आंसर है लोस अभिलेख। तो इस अभिलेख में कुरुक्षेत्र को महातीर्थ की संज्ञा दी गई है। देखिए, सिरसा अभिलेख ये हरियाणा की धार्मिक दशा को समझने में हमारी मदद करता है। सिरसा अभिलेख क्या करता है, हरियाणा की जो प्राचीन काल में जो धार्मिक कंडीशन थी, जो धार्मिक दशा थी, उसको समझने में हमारी मदद करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोनीपत का ताम्रपत्र अगर हम बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन की वंशावली को दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की वंशावली का उल्लेख इसमें है, किसमें? सोनीपत का ताम्रपत्र में। तोसाम अभिलेख, तोसाम है भिवानी में, कहां पर? भिवानी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मित्ताथल भिवानी, अग्रोहा, खोखराकोट या कपाल मोचन? तो देखिए, जो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हैं वो इन दोनों से मिले हैं, मित्ताथल भिवानी से और अग्रोहा से, तो दोनों से मिले हैं, यानी कि आंसर हमारे होंगे एक और दो। ठीक है, एक और दो। अब देखिए, जो खोखरा कोट है, अब वहां से मिले हैं इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के वहां से मिले हैं, कहां से? खोखरा कोट से। कपालमोचन की अगर हम बात करते हैं तो यहां से मिला है चांदी का इंडो सिसासियन सिक्का, का इंडो सिसासिन सिक्का यहाँ से मिला है कपाल मोचन से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के दोनों जगह से, मित्ताथल भिवानी और अग्रोहा से, खोखराकोट से इंडो ग्रीक सिक्के और कपाल मोचन से चांदी का इंडो सिसानियन सिक्का यहाँ से मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हुविस्क एवं कनिष्क प्रथम के सिक्कों के सांचे कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये सिक्कों के सांचे कहाँ से मिले? औरंगाबाद से, खोखराकोट से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोनों से, औरंगाबाद से भी मिले हैं और खोखराकोट से भी मिले हैं। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, लगभग 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और गिनती हमारी हो गई है 100 तक। तो इस वीडियो को यहाँ यहीं तक रखते हैं, जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।